मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द मैथ्स क्लास सिक्स चैप्टर फोर बेसिक ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट्स पार्ट सिक्सटीन. दिस इज पार्ट सिक्सटीन. टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व सम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस. दिस क्वेश्चंस आर फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक दैट इज गिवन इन योर बुक पेज नंबर 82. फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लासीफाई द फॉलोइंग कर्व्स एज ओपन और क्लोज्ड. दीज आर द कर्व्स. यू हैव टू क्लासीफाई वेदर द कर्व्स आर ओपन और क्लोज्ड. देखिए, नंबर ए है जेड. लेटर जेड क्या है स्टूडेंट्स? ओपन कर्व है. सिंपली ये दिख रहा है ओपन है. इसका एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग है. इट मीन्स कि इट्स अ ओपन कर्व. एंड नंबर बी इज क्लोज्ड कर्व. स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट्स आर सेम. दैट्स वाई दिस इज क्लोज्ड कर्व. दिस इज अगेन एन ओपन कर्व. नंबर सी इज ओपन कर्व. देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंडिंग पॉइंट ये है, तो ओपन कर्व हो गया ये. और ये ट्राइंगल है डी में, एक क्लोज्ड हो गया एंड ई एक क्लोज्ड कर्व है. क्वेश्चन नंबर टू है स्टूडेंट्स, कंसीडर द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन. ये फिगर दिया हुआ है, इसको देख करके आपको क्वेश्चन का आंसर देना है. फर्स्ट क्वेश्चन है, इज इट अ कर्व? क्या ये कर्व है? तो येस, इट इज अ कर्व. ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है स्टूडेंट्स, तो ये येस हो गया. इज इट क्लोज्ड? अब पूछा जा रहा है कि क्या ये क्लोज है, तो येस क्लोज्ड भी है. दिस इज सिंपल क्लोज्ड कर्व, क्योंकि इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, लाइन सेगमेंट क्रॉस नहीं कर रहा है, एक दूसरे को स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है एक ही पॉइंट पर, तो ये क्लोज्ड कर्व है. यस. क्वेश्चन नंबर थ्री, फ्रॉम द फिगर, दिस इज द फिगर, आइडेंटिफाई. इस फिगर से आपको आइडेंटिफाई करना है क्या क्या. नंबर ए है सेंटर ऑफ द सर्कल, तो दिस इज ओ. ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो आंसर ए इज ओ. नंबर बी, थ्री रेडी. आपको इसमें थ्री रेडी देखना है स्टूडेंट्स, तो सेंटर टू सर्कल को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट रेडी होता है, तो ओ ए, ओ सी और ओ बी, ए रेडी है. ओ ए, ओ बी और ओ सी आर थ्री रेडी. सी, अ डायमीटर. तो डायमीटर क्या होता है स्टूडेंट? सेंटर से पास करता है, सर्कल को टू पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है, तो ए सी एक डायमीटर है. डी, अ कोड. कोड क्या होता है स्टूडेंट्स? लाइन सेगमेंट इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट टू पॉइंट्स, एनी टू पॉइंट्स. तो देखिए, ई और डी सर्कल को पर ए पॉइंट है, दो पॉइंट, तो ई डी क्या हो गया? एक कोड है, सर्कल को दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, ई डी इज अ कोड. नंबर ई, टू पॉइंट्स इन द इंटीरियर. इंटीरियर मीन्स क्या होता है? इनसाइड द सर्कल. तो इनसाइड द सर्कल कौन सा पॉइंट है स्टूडेंट्स? एक पॉइंट पी दिख रहा है, और एक सेंटर भी हमेशा क्या होता है? इंटीरियर में होता है, तो पॉइंट ओ एंड पॉइंट पी आर इन द इंटीरियर. नंबर एफ, अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर. अब एक्सटीरियर मीन्स होता है आउटसाइड द सर्कल, तो सर्कुलर रीजन ये है स्टूडेंट, सर्कल का बाउंड्री ये है, इसके बाहर ये पॉइंट है, देखिए इसका नाम है क्यू, तो पॉइंट क्यू इज इन एक्सटीरियर. अब टू, सॉरी, क्वेश्चन नंबर जी है, अ सेक्टर. यू हैव टू आइडेंटिफाई अ सेक्टर. तो सेक्टर्स क्या होता है स्टूडेंट? सेक्टर इज एन एरिया इनक्लोज्ड बाय टू रेडी एंड एन आर्क. तो देखिए, ओ ए एंड ओ बी आर टू रेडी एंड ए बी इज एन आर्क. तो ए एरिया जो क्या हो गया? सेक्टर हो गया. तो सेक्टर का नाम ए हो गया, ए ओ बी. ए ओ बी इज अ सेक्टर. एंड एच, अ सेगमेंट. सेगमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? एरिया इनक्लोज्ड बाय अ कोड एंड एन आर्क. तो ई डी इज अ कोड एंड ई डी इज एन आर्क. तो दिस एरिया इज कॉल्ड सेगमेंट. तो सेगमेंट ई डी आप कह सकते हैं. क्वेश्चन नंबर फोर है, इज एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑल्सो अ कोड. पूछा जा रहा है येस और नो. तो येस, हर डायमीटर क्या होता है स्टूडेंट्स? कोड भी होता है. डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड. आई हैव रिपीटेड मेनी टाइम्स. नंबर बी, इज एवरी कोड ऑफ अ सर्कल ऑल्सो अ डायमीटर. क्या हर कोड डायमीटर भी होता है? तो नो, कोड डायमीटर जरूरी नहीं है कि होगा, लेकिन हर डायमीटर कोड होगा, तो ये नो. और क्वेश्चन नंबर फाइव है स्टूडेंट्स, से ट्रू और फॉल्स. नंबर ए, टू डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल विल नेसेसरली इंटरसेक्ट.
टू डायमीटर्स जो है नेसेसरली इंटरसेक्ट करेगा, मतलब ज़रूर इंटरसेक्ट करेगा, तो यस ट्रू होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि डायमीटर हमेशा सेंटर से पास करता है, तो सेंटर पर इंटरसेक्ट करेगा दोनों डायमीटर, जो भी डायमीटर खींचेंगे वो सेंटर से इंटरसेक्ट करेगा। जैसे AC एक डायमीटर है और एक डायमीटर और खींचेंगे BF, तो ये सेंटर से ही जाएगा। तो ट्रू, टू डायमीटर्स ऑफ ए सर्कल विल नेसेसरली इंटरसेक्ट, ये ट्रू होगा। और नंबर बी, द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर। सर्कल का सेंटर कहाँ होता है स्टूडेंट्स? हमेशा इंटीरियर में होता है, तो ये भी ट्रू है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग एग्जाम्पलर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, पेज नंबर 83 में जो दिया हुआ है, पार्ट 17 में। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और अगर यह मैथ्स वीडियो सीरीज आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।